नमस्कार, मैं हूं सुमित सिंह और आप देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ, उसके बाद आपको दिखाएंगे जिले की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। कुटार नगर अध्यक्ष के प्रतिनिधि सहित एक दर्जन लोगों पर मुकदमा दर्ज। नगर पंचायत के सभासदों को बंधक बनाने और जान से मारने का लगा आरोप। पुलिस ने मुकदमा दर्ज, मामले में छानबीन शुरू की। बंडा क्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू से गोद कर की निर्मम हत्या। हत्या के पीछे पत्नी से अवैध संबंध बताए जा रहे। 1.5 महीने पहले ही जेल से छूटकर आया था हत्यारोपी युवक। बबीता पटेल को अपना दल एस ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। बबीता पटेल को बनाया गया महिला मंच का प्रदेश उपाध्यक्ष। बबीता पटेल के समर्थकों में खुशी की लहर। साइबर क्राइम सेल टीम को मिली बड़ी कामयाबी। साइबर ठगी का 72 घंटे में किया गया खुलासा। ठगी की गई रकम को भी टीम ने रिकवर किया। आज ददरौल में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक हुई संपन्न। 4 सितंबर को होने वाले धरना प्रदर्शन में शामिल होने की शिक्षकों से की गई अपील। वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष बोले, एकजुट होकर लड़ेंगे तो मिलेगा हक, बाद में पछताने से नहीं कोई फायदा। तो ये थी अब तक की हेडलाइंस। अब नजर डालेंगे जिले की सभी छोटी बड़ी खबरों पर। बंडा थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गौटिया गांव में बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। हत्या के पीछे वजह पत्नी से अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हत्यारोपी युवक 1.5 महीने पहले ही जेल से छूटकर आया था, वहीं आज उसने अपने छोटे भाई की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी फरार है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुटार नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि रवि सिंह समेत एक दर्जन लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सभी पर सभासदों को बंधक बनाने और उन्हें जान से मारने की कोशिश करने का आरोप है। घटना 29 अगस्त 2023 की बताई जा रही है। आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि रवि सिंह ने सभासदों को अपने घर में बुलाकर जबरन मनमाने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया था। मना करने पर सभी को बंधक बनाने का आरोप है। इस दौरान एक सभासद ने अपने ऊपर तमंचे से फायर करने का भी आरोप लगाया था, जो मिस हो गया था। फिलहाल पुलिस ने बंधक बनाने, हत्या का प्रयास करने और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज में आज स्वच्छता पखवाड़ा के तहत शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शपथ इतिहास प्रवक्ता राम सिंह ने दिलवाई थी। इस दौरान सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया और स्वच्छता रखने के लिए शपथ दिलाई गई। वहीं प्रधानाचार्य संजय कुमार कपूर ने कहा कि स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हमें अपने विद्यालय, कार्यस्थल और घर के आसपास किसी भी प्रकार की गंदगी ना होने दें, यह हमारे कर्तव्य और उत्तरदायित्व है। राष्ट्रीय गौरक्षक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री जसवंत कुमार मैथिल ने छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। जसवंत कुमार मैथिल का कहना है कि थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र के बाड़ी गांव के रहने वाले कुछ लोग उनको झूठे मुकदमे में फंसा कर उनकी छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं और उनके खिलाफ षड्यंत्र के तहत मुकदमा तिलहर थाने में भी दर्ज कराया गया है। वहीं आज जसवंत कुमार मैथिल ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर इस मामले में गहनता से जाँच कराए जाने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक ने भी आश्वासन दिया है कि इस मामले में जाँच कराई जाएगी। जलालाबाद से विधायक हरिप्रकाश वर्मा ने बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री का वितरण किया है। विधायक ने जलालाबाद तहसील सभागार में 240 बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया। आपको बता दें कि जलालाबाद क्षेत्र में अभी भी 36 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिन्हें लगातार राहत पहुंचाई जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मिर्जापुर पहुँचे थे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण कर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया था। अपना दल एस की नेता बबीता पटेल को अपना दल महिला मंच का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। मूल रूप से बबीता पटेल खुदागंज ब्लॉक के अलियापुर गांव की रहने वाली हैं, लेकिन वर्तमान में महानगर के चिनौर में परिवार के साथ रहती हैं। बबीता पटेल ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो विश्वास और स्नेह दिया है,
उसको कायम रखने का पूरा प्रयास करूंगी और पार्टी के सिद्धांतों और नियमों का पालन करती रहूंगी। साइबर क्राइम सेल टीम ने साइबर ठगी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 72 घंटे में ही साइबर की घटना का खुलासा करते हुए 29,000 रुपये से ज़्यादा की रिकवरी की है। दरअसल जलालाबाद के जल्लापुर गांव के रहने वाले प्रदीप वर्मा ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके साथ धोखाधड़ी कर 29,000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन दूसरे खाते में करा लिया गया। इसके बाद उसने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने पूरी घटना का खुलासा कर दिया है। आज ददरौल में उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक संघ की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक को जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने अपील करते हुए कहा कि सभी शिक्षक 4 सितंबर को 11 बजे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि अब जब हम सब लोग एकजुट होकर आंदोलन में शामिल होंगे तो हमारी शक्ति का प्रदर्शन होगा, बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इसलिए हम सबको एक रहने की ज़रूरत है।